ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरु जी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7021472191 9920949 4965 6। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH Foundation टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। भक्त लोग ऐसे ही जानते हैं कि भगवान, हमने एक श्लोक बोला था, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर जो है परम ईश्वर और कृष्ण है, सचिदानंद है और सभी कारणों के कारण है। और यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को कि केवल वही मोह रहित है और सभी पापों से मुक्त है जो मुझे अजन्मा और अनादि जानता है, मतलब जो मुझे तत्व से जानता है, ठीक ठीक जानता है, पूरा पूरा जानता है और वास्तविक में जानता है और प्रामाणिक रूप में जानता है और सच्चे गुरु के द्वारा उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि भगवान का कोई जन्म देने वाला नहीं। अब आप लोग थोड़े से परेशान होंगे, कोई कोई बुद्धिमान, कि भगवान ने तो बहुत बार जन्म लिया है ना, भगवान ने तो बहुत बार जन्म लिया है तो अजन्मा कैसे हो गए, है ना। भगवान तो बहुत बार जन्म लिया है, और कई लोग कहते हैं, भी कहते हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते, अवतरित होते। लेकिन थोड़ा सा विचार में जाइए, थोड़ा सा विचार में जाइए कि जो अवतरण कर सकते, जो पूर्ण है, जो सभी कारणों के कारण है, अगर वो अवतार ले सकते हैं तो जन्म नहीं ले सकते? जो सब कुछ करने में सक्षम है, पूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते, इसमें क्या आश्चर्य। जो अनादि है वो क्या नहीं कर सकते? लेकिन हम लोगों का ज्ञान उतना गहरा नहीं होता तो हम लोग तर्क में चले जाते, डिबेट में चले जाते कि अजन्मा कैसे हुए। मैं बताता हूं कैसे हुए। भगवान का 5 ऐसा जन्म है, अवतार है, जो बिना माता पिता का है। ऐसा कोई जीव है जो बिना माता पिता का अवतार हुआ, जन्म हुआ? जब हिरण्यकश्यपु के लिए भगवान को आना पड़ा तो माता पिता के पेट से आए थे या दीवाल खंभे में से आए थे? कहां से आए थे बोलिए। कोई ऐसे और देवता हैं जिनके बारे में जानते अजन्मा है? सबके माता पिता है, ये तो खाली एक ही अवतार है। भगवान के मत्स्य अवतार में भगवान डायरेक्ट मछली बन के अवतार ले लिया था। भगवान का जो कच्छप अवतार था वो सीधे भगवान कच्छप बन के अवतार हो गए थे।
भगवान का जो धनवंतरी और मोहिनी अवतार है उसमें बिना माता पिता का ये दोनों अवतार हुआ था। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से निकले थे और जब असुरों को अमृत की जगह विष पिलाना था तो मोहिनी अवतार लिया था, तुरंत प्रकट हो गए थे, कृष्ण ही मोहिनी बन गए थे, मोहिनी अवतार। तो भगवान कहते जो मुझे तत्व से जानता है कि मैं अजन्मा हूं और मोह रहित है। हम लोग मोह रहित नहीं भैया, मोहित है। क्या है? मोह रहित और मोहित में अंतर नहीं, खाली र का बीच में अंतर है। मोहित और मोह रहित, र हटा देंगे तो मोहित मोहित ही हो जाएंगे। और बहुत लोग माता पिता तो अपने बच्चे का नाम ही मोहित रखते, इतना मोहित हो जाते। और फिर मोहित उनको जब छोड़ के चला जाता है तो फिर उनकी हालत बेकार हो जाती, क्योंकि वो तो उसमें मोहित थी, आसक्त थी, एकदम उसके लिए दीवाना थी और मोहित ने किसी काम का नहीं छोड़ा उनको। तो इसलिए भैया मोहित होना है तो एक ही जगह होना है। वो इधर बैठे देख रहे आप लोगों को, मुस्कुरा रहे, बुला रहे, कैसे मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आनंद में रहो। अगर हमेशा ऐसा ओट खिला हुआ चाहिए, दांत बाहर चाहिए, आनंद का बांसुरी बजाना है तो मेरे जैसा बन जाओ, मेरे ऊपर मोहित हो जाओ। चैन की बंसी बजाना है तो मेरा हो जाओ, और संसार में किसी और चीज के लिए मोहित हो गए तो कहीं के नहीं रहेंगे, जीवन दुर्लभ बेकार हो जाएगा। ये मानव जीवन आपने व्यर्थ गवा दिया। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोग को क्या कह रहे हैं कि जो मोह रहित है और मुझे अजन्मा जानता है वही सभी पापों से मुक्त हो सकता है, मतलब मेरे धाम को आ सकता है। जो शुद्ध है, पवित्र है, वही मुझे प्राप्त हो सकता है। यहां ये भी भाव है, ये भी सार रूप में कहा जा रहा है। तो हम लोग को मोहित तो होना है, लेकिन किसके लिए होना है? बोलिए, हरि नाम के लिए। डायरेक्ट कृष्ण के लिए भी नहीं बोलू मैं आपको, क्यों? हरि नाम वो माध्यम है जो कृष्ण तक ले जाएगा आपको। हरि नाम वो औषधि है जो आपको कृष्ण प्राप्ति कराएगा, कृष्ण का प्रेम दिलाएगा, आपके मुस्कान को बनाए रखेगा उनके जैसे, आपके आनंद को हमेशा आपके पास संचय करके रखेगा, जमा करके रखेगा। तो आप सब भगवान के लिए मोहित होना चाहते हैं, सभी पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, जो जीव मोहित हो चुका है, जो जीव अगर सरेंडर किया है, भगवान को अपनाया है, दृढ़ संकल्प है, उनका उत्साह ऐसा नहीं रहता है, वो बहुत उत्साह में रहते। बोलिए अभी एक बार दिखाइए उत्साह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा आज भगवान का प्रकट दिवस है, हम लोग के लिए भगवान आ जाए, हम लोग को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए, ये ताप से निकाल के बैकुंठ ले जाने के लिए। और हम लोग अगर तपे तपाए बैठे रहे तो भगवान ले जाएंगे? अरे ऐसा लगेगा भगवान को ये तो जाना ही नहीं चाहते। हम लोग लालायित रहना चाहिए ना, भगवान आने वाले, जब नाम बोलना पड़े तो एकदम झूम के नाच के बोलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। आप सबने कभी सुना होगा कि हम सब
मनु और शत्रुपा के संतान है, मनु महाराज और शत्रुपा के संतान है। तो क्या कह रहे, जो मनु शत्रुपा हैं उनसे जितने भी उत्पन्न हुए हैं जीव और जितने भी विभिन्न प्रकार के लोकों में निवास करते हो, सारे उनसे ही अवतरित होते, जितने भी प्रकार के जीव जीवात्मा उसमें सभी आ गए। भगवान एक एक संशय दूर कर रहे हैं, एक एक संशय कि कृष्ण क्या क्या करते, कौन है कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता स्वस्थ है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। भगवान कहते ऐसे जो भाग्यवान जीव जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता स्वस्थ है, जो जानते हैं भगवान का ऐश्वर्य एकदम 100% सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और इस प्रकार से अपने आप को भगवान से जोड़ लेते पूरी रूप से और फिर अनन्य भक्ति में लग जाते हैं, और किसी की भी भक्ति नहीं बाद में, अनन्य सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति, अनन्य भक्ति करते हैं। कहते हुआ मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हम लोग में से ऐसे बहुत कम जीव है जो हम लोगों ने पक्का किया है कि भगवान सभी ऐश्वर्यों षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। इसका उदाहरण देता हूं, मैंने अभी 6 प्रकार के ऐश्वर्य गिनाए, आप देख लीजिएगा कि ये किसी भी जीव में नहीं, देवी देवता में नहीं, कोई भी लोक में नहीं, यहां तक कि महादेव में भी नहीं। ये 6 ऐश्वर्य और किसमें नहीं, सिर्फ भगवान में है। तो ऐसे 6 ऐश्वर्यों की महिमा जान के जो भक्त अनन्य रूप से उनकी भक्ति में तत्पर रहता है, मैं अभी इसी लाइन शब्द में था पीछे कि हमें तत्पर रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए, लालायित रहना चाहिए, मोहित रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए कि भाई अब मुझे भगवान मिल गए, अब मुझे हरि नाम मिल गया, अब मुझे गीता जी मिल गई, अब मुझे भक्तों का संग मिल गया, अब ये 10वें अध्याय से कृष्ण क्या है वो जानकारी मिल रही है और मिल गई है। तो और किसी चीज के प्रति अब हमें मोहित होने की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर रहते हैं, रहना चाहिए, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं करनी चाहिए। संदेह किया किंतु परंतु तो गए। फिर भगवान को आपने ठीक ठीक समझने में चूक कर दिया, इसके भी कई उदाहरण हैं। द्रौपदी ने जब तक अपने प्रियजनों पे भरोसा किया था, अपने 5 महाबलीपतियों पे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह विदुर सभी बैठे थे उस राजसभा में जहां उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, और सब पे भरोसा करके एक एक कर को पुकार रही थी, देख रही थी कौन मुझे बचाएगा, लज्जा मेरी कौन बचाएगा, और जब देख लिया कि किसी ने भी नहीं बचाया है, और वो खुद को बचाने गई थी, खुद अब सारी के पल्लू को अपने हाथ से और दांत से पकड़ के रखी थी कि मैं कोशिश करके देख लेती हूं, और जब लगा कि अब मेरी भी छूट जाएगी हाथ से साड़ी, अब मेरा इज्जत नहीं बचेगा, अब मेरी लाज नहीं बचेगी, अब कुल का मर्यादा भंग हो जाएगा, अब मैं संसार में कैसे जी पाऊंगी, तब भगवान को दोनों हाथ से पुकारा, और भगवान इंतजार कर रहे थे किस लिए, संदेह खत्म होने का, कब पूर्ण विश्वास होगी, कब मुझे बुलाती है पूरे शरणागत होकर के। तो तब तक भगवान निकट नहीं आते, आपके लिए खड़े नहीं होते, आपको रक्षा नहीं करते, जब तक कि आपका पूर्ण सरेंडर नहीं हो जाएगा, पूर्ण शरणागति नहीं हो जाएगी।
और हम लोग के दुर्गुण यही है, हम लोग के दुर्गुण यही है। हम लोग का जो स्वभाव है ना, वो कई बार मैं बोलता हूं कि दुम की तरह है ना, कुत्ते की दुम की तरह स्वभाव है। हम लोग बहुत आसानी से कोई चीज, सरलता से कोई चीज नहीं सीखते हैं, उसमें बहुत सारे किंतु परंतु रखते हैं। जैसे वो आसानी से दुम सीधा नहीं होता है। और ये भी कहता हूं बार बार कि शायद उनका संग अभी ज्यादा, हर घर में लगभग लोग कुत्ते पालते हैं, तो उनके संग का प्रभाव भी है। और उनके अंदर दो गुण रहते हैं, उनके अंदर दो गुण रहते हैं मुख्य तौर से। कुत्ते सुनते बहुत अच्छा है, आप बुलाएंगे तुरंत आ जाएंगे, और जीभ भी जहां बैठेगा इतना सुनता है, इतना कोई सुनाने वाला और कोई सुनने वाला, दिन रात यही चलता है। एक बोल रहा है, दस सुन रहा है, कोई रुकता ही नहीं, बस कहते जा रहे, सुनते जा रहे, क्या कह रहे क्या सुन रहे उससे मतलब नहीं, चल रहा है कहानी, बहुत अच्छा सुनते हैं। लेकिन दूसरा जो दुर्गुण है वो है कि वो कुत्ता बड़ा लज्जाहीन होता है, बेशरम जैसा रहता है। और आज कलयुग के जीव भी ऐसे ही है, उनको शर्म बहुत कम रह गई है। कल भी हम कह रहे थे, बड़ा तुरंत पलटी मारते हैं, तुरंत पलट जाते हैं, बात का कोई वैल्यू नहीं, वाणी पवित्र नहीं, वाणी है कि पानी है समझ में नहीं आता, बह जाता है किधर भी। तो उनका जो कुत्ते वाला स्वभाव उनके साथ रह रहे के उनमें आ गया है, वो लज्जाहीन हो गए हैं। इधर मार खाते, उधर मार खाते, उधर बात सुनते, फिर भी उसी में रचे बचे रहेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, दिन रात संसार में। मैंने क्या बोला था, वो भजिया की तरह तले जाते हैं, घर में भी, बाहर भी, ऑफिस में भी, काम में भी, धंधे में भी, फिर भी इतने बेशर्म हो गए। एक बार विचार आता है कल से काम छोड़ दूंगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद रसगुल्ला दिख जाता है और खा लेते हैं। अरे ये काम करके ही तो रसगुल्ला खा सकता हूं, और रसगुल्ला खाने के बाद वो भूल जाते हैं लात खाना, वो लज्जा वाली बात, वो जिसने इंसल्ट किया था, बेइज्जती की थी, 150 रुपए के लिए, 2-5 हजार के लिए पूरा इज्जत उतारा था। तो ये दोनों गुण आ गए कलयुग के जीव में। तो ऐसे संशय वाले नहीं होने चाहिए, पूर्ण विश्वास, पक्का विश्वास होना चाहिए। और ऐसे जीव कह रहे हैं कि जिनमें तनिक भी संदेह नहीं है, मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर रहते हैं, ऐसे जीव मुझे प्राप्त कर सकते करते हैं। तो हमें भी, हम लोग को भी ऐसा ही बनना है। जबकि मैं श्लोक पढ़ नहीं रहा था, मैं सोचा आपको खाली तात्पर्य बता दूं और उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं, ताकि आज पूरा हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, कल पूरा करेंगे। आज का जो आयोजन है पुष्प अभिषेक का, क्योंकि पुष्प अभिषेक में समय जाएगा, कीर्तन होगा सुंदर, और उसके उपरांत प्रसाद भी करना है। तो अभी मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि कथा का आज यहां विराम देता हूं, श्लोक नंबर 7 पे। कल 8वां श्लोक भगवान की कृपा रही तो शुरू करेंगे, और फिर पूरे 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण का क्या क्या ऐश्वर्य है उस पे प्रकाश डालेंगे, ताकि आप सबको पूरी तरह से कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी मिले, और उनके प्रति शरणागत हो जाइए, उनको अपना इष्ट बनाइए, उनके नाम का जप करिए, उनके नाम का कीर्तन करिए, और हमेशा कृष्ण भावना भावित रहिए, हमेशा आनंदित रहिए, हमेशा प्रफुल्लित रहिए। इस ताप संताप वाले संसार में भी आप उनसे बच के रहेंगे, उनसे दूर दूर रहेंगे, आपको ताप संताप छुएगा नहीं।
33 करोड़ देवी देवताएं हमारे किनको किनको संतुष्ट करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उदाहरण के लिए अगर एक गिलास पानी है आपके पास, एक लोटा या एक बाल्टी, तो कौन कौन से पत्ते में और डाल में डालेंगे और कहाँ कहाँ चढ़ पाएंगे? क्या सब पत्ते में और डाल में चढ़ पाएंगे? लेकिन जो बुद्धिमान जीव है वो क्या करेंगे, एक गिलास पानी या एक बाल्टी पानी कहाँ डाल देंगे? पेड़ के जड़ में डाल देंगे। तो भगवान गीता में, गीता जी के माध्यम से क्या हम लोग को कह रहे हैं कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूं, मूल मैं हूं, जड़ मैं हूं, मेरी शरण में आओ, मेरे जड़ में आओ, मैं सबको हरा भरा। जड़ में डालेंगे सब हरा भरा होंगे कि नहीं? तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे जितने देवी देवता हैं, क्योंकि वो सब भी मेरे शरणागत हैं। आपको पत्ते पत्ते डाल डाल टहनियों तक नहीं जाना पड़े, गिर के वहां से नहीं मरना पड़े, लेकिन हम लोग ऐसे ही हर जगह जाते हैं और गिर गिर के मर रहे हैं। यहां जाते वहां जाते वहां जाते वहां जाते और फिर सर भारी करके बैठे रहते, एकदम भूत होके बैठे रहते। ऐसा लगता है कि अब कुछ जीवन में बचा ही नहीं। एकांत उनका ज्वालामुखी का ढेर बन जाता है उनका एकांत। कोई पास में तब तो थोड़ा ठीक है, बोल भी लेते, कभी 24 घंटे में एक मिनट मुस्कुरा भी लेते, लेकिन जब अकेला रहते हैं तो ऐसा लगता है ज्वालामुखी के ढेर में बैठे। तो सार रूप में है कि अगर आपने संतुष्ट करना है तो भगवान श्री कृष्ण को पकड़िए, मूल को पकड़िए, जड़ को पकड़िए, जो सभी के उत्पत्ति के कारण है उनको शरणागत हो जाइए। और आज वो दिन है, कृपालु दिन, दीन दयालु दिन, महावदान्य अवतार का दिन, प्रकटय दिन, कि आप उनके शरण में जा सकते हैं। ये सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है कि आज वो मौका आप सबको, हम सबको प्राप्त हुआ है कि भगवान भी यहां विराजमान हुए। ये भी सौभाग्य है कि ये जो विग्रह है नाला सुपारा में भक्तों के पास है, नहीं तो इनका दर्शन करने के लिए फिर से एक बार नवद्वीप जाना पड़े आपको, फिर से आपको मायापुर जाना पड़े, फिर से योगपीठ जाना पड़े, और इसके लिए बहुत सारे धन आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो ये परम सौभाग्य की बात है कि चलो अभी तक जहां गए कोई बात नहीं, आज भगवान की कृपा हुई है, गौरांग महाप्रभु का कृपा हुआ है, इस गौर पूर्णिमा के अवसर पे भगवान प्रकट हुए हैं और हमारे सामने विराजमान है। आप लोग प्रेम भाव से, करुणा भाव से विनंती करके, गिरगिरा के, रो के, अपने अपने ऊंचे भाव से जैसे भी आता है, आप उनको निवेदन करिए, उनसे मांगिए कि मुझे आपकी प्राप्ति हो, आपका चरण का धूल मिले, आपके चरणों में सेवा करने का मौका मिले, आपका नाम जप करने का मौका मिले, निरंतर जीवा पे हरि नाम चलता रहे और इन भक्तों का संग मिलता रहे, घर में रोज भगवत गीता का पठन पाठन होता रहे। तो अभी मैं यहाँ पे विराम दूंगा आज के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 7 के साथ, और कल फिर 8 से लेके पूरे, ये मैं पूरे कृष्ण का ऐश्वर्य आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपका संशय, आपका मोह, आपका अज्ञान, आपका जितना भी प्रकार का आसक्ति है जगह जगह पे सब दूर हो जाए, आप परत दर परत जान जाए कि सब कुछ कृष्ण ही है। इसीलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमने सोचा था इसके जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उसको आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप पूरी तरह से नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तो शायद संशय रह जाए, क्योंकि कई जन्मों का है। तो इसलिए हमने तय किया कि नहीं, विस्तार में आपको बताएंगे, ताकि हर प्रकार के संशय, हर प्रकार के जीवों का दूर हो जाए। और जब संशय दूर हो जाता है, अज्ञान और अंधेरा दूर हो जाता है,
तो सब साफ साफ दिखने लगता है। फिर देर नहीं होती है उस चीज को लेने में, अर्जित करने में। फिर कोई कारण नहीं रह जाता है कि अब उस चीज से वंचित रहा जाए, क्योंकि अब सब साफ हो गया है, अब सब शुद्ध पवित्र और पक्का हो गया है, अब सब अज्ञान दूर हो गया है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आइए और पुष्प अभिषेक का कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। पुष्पों की जो टोकरी है वो भी लेके आ जाइए। सभी भक्त बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु। परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।